हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ अविनाश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमी प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर। एक्चुअली मैंने इसे जुलाई 2017 में परचेस किया था और इसका ऑलरेडी एक अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में मेनली इसके 2 साल 9 महीने का जो जर्नी मेरा इसके साथ रहा है उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, कौन सी इसमें अच्छी बातें हैं और कौन सी क्या इसमें खामियाँ हैं, प्लस आज की डेट में इसे परचेस करना सही रहेगा या नहीं, और लास्ट में मैं इस हेयर स्ट्रेटनर को पूरी तरह खोल कर अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस हेयर स्ट्रेटनर को मेनली मेरी वाइफ यूज़ करती है और इसे परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के अलावा डेली नॉर्मल हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए भी यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले मैं इसकी अच्छाइयाँ, इसकी प्रॉस क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जो इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका हीटिंग प्लेट्स। अब इसकी हीटिंग प्लेट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका जो प्लेट का जो हीटिंग पैटर्न है वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह ज़्यादा गर्म होता है, एक जगह कम गर्म होता है। ये पूरा प्लेट यूनिफॉर्मली हीट होता है और ये 2 साल जो 9 महीने का जो टाइम है इसमें कभी भी आज तक हेयर बर्न हो गया हो या ये ओवर हीट हो गया हो ऐसा शिकायत आज तक नहीं मिला है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी प्लेट की जो क्वालिटी है, साइन है, अभी भी मेंटेन है। तो वेयर एंड टेयर भी उतना ज़्यादा इसमें नहीं हुआ है। तो अब चलिए इसका दूसरा खूबी। तो इसकी जो दूसरी जो अच्छी बात है वो है इसका हीट सेटिंग। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 160 से लेकर 220 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सेटिंग है। अब इसके इस हेयर स्ट्रेटनर के अलावा मेरी वाइफ ने ये फ्लिप्स का केरासाइन हेयर स्ट्रेटनर भी परचेस किया था। क्यों किया था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इवन उस फ्लिप्स के वाले हेयर स्ट्रेटनर में भी सिर्फ 2 ही टेम्परेचर सेटिंग है जो कि हायर है, जो सबसे हाइस्ट टेम्परेचर और सेकेंड लोएस्ट है। तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि जिनका नेचुरली हेयर स्ट्रेट है और वो अगर फ्लैट लुक पाना चाहते हैं तो वो 160 डिग्री सेल्सियस पे इसे सेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्लिप्स वाले में नहीं है। फ्लिप्स वाले में बहुत ही हाई टेम्परेचर और सेकेंड लोएस्ट टेम्परेचर ही अवेलेबल है। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। तीसरी जो इसकी अच्छी बात है वो है इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी। अब ये चूंकि ये मैट फिनिश में आता है तो इसमें अभी आप देख सकते हैं ये अभी भी इसकी जो ब्रांडिंग है और प्लास्टिक जो है किसी तरह का फेडिंग या कोई ऐसा इशू नहीं आया है। और इवन ये यूज़ करते हुए 2-3 बार हाथ से गिर भी गया है लेकिन अभी तक इसमें कोई डैमेज या पंचर का मार्क नहीं आया है। नेक्स्ट जो इसकी खूबी है वो है इसका लाइट वेट और इसका साइज। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और हल्का है तो इसे आप बहुत देर तक अगर हाथ में कैरी भी करते हैं, यूज़ करते हैं तो इससे आपको कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही जैसे बताया हल्का है और साइज़ में कॉम्पैक्ट और छोटा है। लेकिन छोटा होने के बावजूद इसका जो प्लेट बहुत ही ब्रॉड है तो जिसके चलते आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इसकी वायर की क्वालिटी और लेंथ। लेंथ वाइज ये तार बिल्कुल ही सफिशेंट है। जब मैंने इसे परचेज किया गया था तो इसकी तार की क्वालिटी और प्लग की क्वालिटी को लेकर मुझे डाउट था क्योंकि ये तार बहुत ही पतला है और क्वालिटी भी देखने में बहुत ही नॉर्मल लगती है। बट ट्रस्ट मी, आज तक इसके वायर में कहीं भी कोई फोल्ड नहीं पड़ा है। नॉर्मली हेयर स्ट्रेटनर में होता क्या है कि इस जगह से तार बेंड होकर टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ी है। और इसकी तार की जो हीटिंग इशू भी ऐसा कुछ नहीं है, यूज़ करने के दौरान ये तार हीट भी नहीं होता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या बुराइयां हैं। जो सबसे बड़ी कौन जो इसे यूज़ करने के बाद ही पता चला था कि जब इसे यूज़ करने के समय में आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स और इवन ये इसकी जो फिनिशिंग है बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो होता क्या है कि बोथ साइड में आप देखेंगे इसके ये कॉर्नर्स में हेयर इन गैप्स में फंसता है। तो जैसे ही आप हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए हेयर को पकड़ के इसे जब पुल करते हैं तो वो हेयर इसमें फंस कर इन गैप्स में फंस कर टूट जाता है। तो जो अपना हेयर को इसे स्ट्रेट करना चाहता है तो
उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग हो जाता है कि जब इसमें हेयर फंस कर टूटता है या फिर खिंचता है तो वो बहुत ही पेनफुल और एनोइंग होता है। और यही वो रीज़न है कि 1.5 ईयर यूज़ करने हैं के बाद हमने वो फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर खरीदने का फैसला लिया था, लेकिन उसको लेने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं वो मैं आपको सेपरेट फ़िलिप्स का और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड जो इसकी बुराई है वो है इसका ये पॉइंट, ये जो यहाँ पर दिया गया है ओबियसली आपको पता है हेयर स्ट्रेटनिंग के टाइम इस जगह को प्रेस करके आपको पुल करना पड़ता है। तो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के दौरान जब हाईएस्ट टेम्परेचर सेटिंग में इसे यूज़ करने के समय ये पॉइंट्स इतना हीट हो जाता है कि इसे यहाँ पर प्रेस करने के लायक ही रहता ही नहीं है, उस समय ये बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है और ये अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो ये दो ही मेजर बुराइयां हैं जो कि मैं मुझे इसमें मिला है, लेकिन 370 रुपये में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो इसका एंड रिज़ल्ट आता है परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग या नॉर्मल स्ट्रेटनिंग का बाद जो एंड रिज़ल्ट है इसका और फ्लिप्स का बहुत बहुत ही सेम है। तो एंड रिज़ल्ट जो क्वालिटी जो आपको मिलने वाली है स्ट्रेटनिंग के बाद वो सेम ही मिलने वाली है। तो चलिए अब इसे हम लोग पूरी तरह से खोल के देख लेते हैं। तो इसे खोलने के लिए है आपको दो स्क्रू ड्राइवर लगेंगे, एक इस तरह का और एक इसका। तो सबसे पहले आपको खोलने के लिए मैं ऑलरेडी इसे थोड़ा खोल के रेडी रखा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको इसके ये कैप्स को हटाना पड़ेगा जो कि आपको इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी इसे निकाल के रखा है तो आप देख सकते हैं ये वो कैप है। उसी तरह दूसरी साइड में भी एक कैप है, इसे भी मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो ये कैप को खोलने के बाद फिर यहाँ पर एक स्क्रू है जिसे आपको इसके हेल्प से खोलना होगा, ये भी मैंने लूज़ करके ही रखा है तो इसे भी मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो ये स्क्रू मैंने यहाँ जो था उसे खोल दिया, इसे खोलने के बाद ये आप देख सकते हैं इस चीज़ को निकालना होगा, इसके लिए आप इसे इधर से पुश कीजिए, पुश करने के बाद इस साइड से आप इसे आप होल्ड करके और इसे पुल कर लीजिए। पुल करने के बाद इसे आप जब छोड़ेंगे, इन चीज़ों को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे स्प्रिंग है आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग से इसे निकाल के इसे इस तरह से घुमा कर नीचे में रख दीजिए। तो इसे नीचे रखने के लिए मैंने आपको जैसा दिखाया था ये देखिए यहाँ पे वायर्स है, इसको इस तरह से घुमा कर आप नीचे रख दीजिए। अब इसका यहाँ अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर एक स्क्रू है यहाँ और एक यहाँ, ये तीन स्क्रूज़ है जो आपको खोलना होगा, मैंने ऑलरेडी ये तीनों स्क्रू खोल के रखा है। तो अब चलिए इसे मैं निकाल लेता हूँ, इसे खोलने के बाद इसे ऊपर की तरफ ऐसे उठा लीजिए, ये रहा ये पूरी तरह से निकल जाएगा, इसको अलग रखिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्किट है, ये स्विच है जो कि इसके कंट्रोल्स पैनल है। अब चलिए इसकी इस प्लेट को निकाल के देखते हैं प्लेट की क्वालिटी कैसे है। तो प्लेट को निकालने के लिए इसको सामने की तरफ पुल कीजिए, तो ये देखिए वो प्लेट है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये हीटिंग प्लेट्स है, ये पूरा प्लेट मेटल का है, तो यही वो प्लेट है। और हाँ मैं जो आपको यहाँ दिखा था इस जगह पर फोकस करिए तो देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पे फिंगर रखने के लिए, यहाँ पर एडिशनल कोई कुशनिंग नहीं है इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये रही वो प्लेट, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जहाँ तक इसकी क्वालिटी की बात है ये ओके है, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी नहीं है, प्लेट्स भी सही है। और इसी तरह बोस इसके दूसरे साइड को भी खोला जा सकता है, फिलहाल मैं आपको इस एक साइड को ही खोल के दिखाया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, और इवन प्लेट प्लेट जहाँ तक मैं कहूँगा कि इसकी प्लेट की क्वालिटी अच्छी है। अगर
अभी तक फ़िलहाल यूज़ करने के बाद कोई वेयर एंड टेयर का निशान भी इसमें नहीं आया है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि दो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी एवरेज है, बट ये जो प्लेट है इसकी क्वालिटी जो कि मेन इसका टूल है वो बहुत ही अच्छी है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।